वात मिग जातक नंबर 14 यानी 14। वात माने होता है हवा और मिग माने हिरन, यानी ऐसा हिरन जो हवा की तरह दौड़ता है, ये उसकी कहानी है। और इसको हम रस लोभी हिरन की कहानी भी बोल सकते हैं। एक राजा का बहुत सुंदर उद्यान था, वहाँ उसने एक आदमी को उसकी देखभाल के लिए लगा दिया। वो आदमी उद्यान की बहुत अच्छी देखभाल करता था। एक हिरन वहाँ अक्सर आया करता था और हरी हरी घास देख के उसको खा के चला जाता था। जब भी वो जो आदमी था देखभाल करने वाला, जब भी उसको हिरन को देखता तो हिरन को हटाने के लिए, भगाने के लिए दौड़ता। इससे पहले कि वो हिरन की तरफ आए, हिरन 9-2-11 वहाँ से हो जाता था और हवा की तरह बात करता हुआ निकल जाता था। उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी इतना तेज दौड़ने वाला हिरन नहीं देखा। वो बहुत तेज दौड़ता था हवा की तरह, उसे बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन वो, जैसा रोज की बात थी, जब एक दिन वो उद्यान से फूल चुनकर राजा के यहाँ लेके गया तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई बगीचे में कभी कोई अद्भुत घटना देखी, कोई देखी हो तो मुझे बताएं। तो उसने कहा, वैसे तो कोई खास नहीं है, मगर एक हिरन अक्सर आता है और वो घास खाता है और मैं जब भी उसको भगाता हूँ वो बहुत तेज़ी से हवा की तरह उड़ के चला जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतना तेज़ दौड़ने वाला हिरन कहाँ से आया। तो उसने कहा, क्या आप उसको पकड़ सकते हो? उस उद्यान की देखभाल ही करने वाले ने कहा कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ अगर मुझे बहुत सारा मधु यानी शहद मिले तो, हनी मिले तो। राज दरबारियों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग जाल मांगते हैं पकड़ने के लिए और ये शहद मांग रहा है, शहद से कैसे पकड़ेगा। राजा के आदेश पर उसको कई घड़े कुंभ भर के, मटके भर के उसको शहद दे दिया गया। उस देखभाल करने वाले ने उस घास पर थोड़ी सी काट कर शहद लगा दिया और छुपकर बैठ गया। हिरन आया, उसने घास खाई और जब उसे शहद वाली घास मिली तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वो दूसरे दिन भी आया, उसको फिर घास मिली, ये क्रम उसका चलने लगा। फिर धीरे धीरे उस उद्यान की देखभाल करने वाले ने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया, दिखाया। पहले तो हिरन वहाँ से भागा, मगर 7-8 दिन भागने के बाद वो फिर वापस आया और अब वो उसकी परवाह ना करते हुए भी घास खाने लगा। उसके बाद उस उद्यान के देखभाल करने वाले ने अपने हाथ में घास ली और उसमें शहद लगा के उसको खिलाना शुरू किया। हिरन ने वो घास भी खानी शुरू की। घास खाने के बाद उससे फिर भय सारा सारा जाता रहा और हिरन एक तरह से उसका बहुत आदी हो गया। अब हिरन उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता था और वहाँ बैठ के आराम से घास खाया करता था। ये देखने के बाद कि अब हिरन मुझसे डरता नहीं है, उसने राजा से कहा कि महल तक चटाई बिछा दो और चटाई पर शहद लगा दो और एक मटके में शहद भर के उसने अपने कंधे पर रख लिया। जब हिरन आया तो उसने उसको घास खिलाई और उस मटके में से थोड़ा थोड़ा शहद टपकाना शुरू किया। हिरन उसको खाता रहा और चटाई पर चलता रहा, चटाई पर भी शहद लगा दिया ताकि वो उसको खाता रहे। और जब वो खाते खाते दरबार में पहुंचा तो दरबार के जितने भी दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए। अब हिरन इतने सारे आदमियों को देख के घबराया, शोर सुन के राजा भी आया। राजा ने देखा कि ये बड़ा तीव्र दौड़ने वाला, हवा की तरह दौड़ने वाला, और ये देखो कैसे मधु के लालच में, मधु की तृष्णा में, शहद के रस में, तृष्णा में, उसकी आसक्ति में कैसे करके ये पकड़ा गया और उसको पकड़ लिया। राजा ने कहा कि हिरन अगर आदमी को देख ले तो उस जगह पर 7 दिन तक नहीं आता है, और अगर आदमी हिरन को धमका दे तो हिरन उस जिंदगी भर उस जगह पर नहीं आता जहां आदमी उसको धमकाता है या डराता है या मारता है। और ये हिरन कैसे शहद के लालच में अंदर तक आ गया और फंस गया। सचमुच जो रस की तृष्णा है, जो रस की तणह है, जो रस की क्रेविंग है, और जो जीभ की क्रेविंग है, जो स्वाद की क्रेविंग है, जो हम जीभ पर हमारा स्वाद है, वो आदमी को कहीं तक भी फंसा सकती है। इस कहानी का यही ज्ञान है, यही सार है, यही इसकी मॉरलिटी है, यही इसकी नॉलेज है कि जो 5 हमारे रस होते हैं, एक हमारा जीभ का रस यानी स्वाद का रस, एक हमारा नाक का रस यानी स्मेल का रस, एक हमारा त्वचा का रस यानी कि छूने का रस, एक हमारा आँखों का रस यानी देखने का रस,
एक हमारा कानों का रस जो सुनने का रस होता है, ये पांच रस और ये पांचों रस मिलकर जो एक मन का रस बनाते हैं, ये छह के छह रस हमें कहीं तक भी फंसा सकते हैं, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, हिरण की तरह कैद भी करा सकते हैं। इनकी आसक्ति से, इनकी क्रेविंग से, इनकी तृष्णा से, इनकी तणा से, इनमें फंसे हुए राग से निकलना चाहिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो हिरण की तरह कहीं भी आप फंस सकते हैं, आपको बीमारी हो सकती है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा खाने से आपका शारीरिक क्षमता अक्षमता में बदल सकती है, परिवार पे फर्क पड़ सकता है, खाने का नुकसान हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से का नुकसान हो सकता है, कोई और भी परिवार में हानि हो सकती है, ये परिवार की हानि देश की हानि हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए और इस जातक कथा से सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।